सुप्रभात। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं, क्योंकि अब आप सब लोगों की अर्धवार्षिक परीक्षा आने वाली है, तो आप लोग अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। मैं मंजूश्री आज आप लोगों को आपके पाठ्य पुस्तक से पाठ 8 पढ़ाने वाली हूँ। हमारे पाठ का शीर्षक है व्यवहार कुशल मंदबुद्धि। मंदबुद्धि, बच्चों, यह शब्द मंद और बुद्धि, इन दो शब्दों के मेल से बना है, जिसका अर्थ है जिसकी बुद्धि थोड़ा कम काम करती है या थोड़ा धीरे काम करती है, और बच्चों व्यवहार की कुशलता क्या होती है? व्यवहार की कुशलता होती है हम अपने से बड़ों और छोटों के बीच ऐसा आदर्श व्यवहार प्रस्तुत करें ताकि किसी को भी हमारे व्यवहार से कोई कष्ट ना हो। व्यवहार वह दर्पण है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का प्रतिबिंब देखा जा सकता है, अर्थात बच्चों व्यवहार बहुत बड़ा रहस्य होता है। अच्छे व्यवहार का रहस्य है आपका कोई शत्रु नहीं होगा और आपके कई मददगार भी होंगे। वहीं बुरे व्यवहार का रहस्य है कि आपके कई शत्रु अपने आप तैयार हो जाएंगे, आपकी प्रगति के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाले कई लोग मिल जाएंगे। बच्चों, व्यवहार कुशलता एक ऐसी चीज है जिससे आप अनजान व्यक्तियों को भी अपना बनाकर अपने साथ चलने के लिए तैयार कर सकते हैं। इसके माध्यम से हम अपनी शक्ति को सामूहिक शक्ति में बदल सकते हैं और अपनी सफलता का मार्ग प्रशस्त करते हुए बुलंदियों को भी पा सकते हैं। हंसमुख एवं जिंदा दिल व्यक्ति सभी के बीच लोकप्रिय होते हैं। अपने व्यवहार को विनम्र बनाकर आप दूसरे के दिलों पर राज कर सकते हैं। दूसरों को सम्मान और सत्कार देकर ही आप अपने लिए आदर और सम्मान अर्जित कर सकते हैं। हाँ तो बच्चों, मैं आप लोगों को आपके पाठ्य पुस्तक की कहानी समझाने से पहले महाभारत की कहानी का एक छोटा सा भाग समझाना चाहूँगी। आप सभी लोगों ने महाभारत की कहानी अवश्य सुनी होगी या अपने टीवी पर देखा भी होगा, तो आप लोगों को याद होगा महाभारत की एक घटना यक्ष प्रश्न, जिसमें वनवास काल के दौरान पांडव जल पीने के लिए एक तालाब के पास जाते हैं, परंतु वह तालाब यक्ष का था और उन्होंने यक्ष से अनुमति लिए बिना ही अपनी ताकत के घमंड में आकर यक्ष की उपेक्षा करके तालाब से जल पीना चाहते थे।
एक एक कर सभी पांडव जाते हैं और वे सभी मारे जाते हैं। अंत में युधिष्ठिर आते हैं। युधिष्ठिर अपने व्यवहार कुशलता के कारण ही यक्ष के सभी प्रश्नों का उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट किया और अपने व्यवहार से उन्हें प्रसन्न करके पानी भी पिया और अपने भाइयों के प्राणों की रक्षा भी की। यह भी एक व्यवहार कुशलता का ही उदाहरण है। उदारता और विनम्रता कभी कभी लोगों में बड़ा बदलाव लाने में सहायक होते हैं। बच्चों, अब हम लोग अपने पाठ्य पुस्तक की ओर चलते हैं। इस पाठ में एक लकड़हारे की कहानी बताई गई है। एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। उसकी पत्नी और उसके दो बेटे थे। उनमें से एक बेटा बहुत तेज और चालाक था, दूसरा बहुत सीधा साधा था। लकड़हारे और उसकी पत्नी अपने बड़े लड़के को ज्यादा प्यार करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनका यह बेटा बहुत ही चालाक और होशियार है और वह छोटे लड़के को इतना प्यार और सम्मान नहीं देते थे। उन्होंने तो उसका नाम भी मंदबुद्धि रख दिया था। एक बार की बात है, लकड़हारे का बड़ा लड़का जंगल में लकड़ी काटने जा रहा था, तो उसकी माँ ने उसे अपने हाथों से बहुत स्वादिष्ट खाना बना कर दिया। लकड़ी काटते समय दोपहर हो गई, उसे भूख और प्यास जोरों की लगी। तब वह भोजन करने जा ही रहा था कि तभी वहां एक बौना आ गया। बौना, जो कद में छोटे होते हैं उन्हें हम बौना कहते हैं। बौना आ गया, उसने लकड़हारे के उस बड़े लड़के से कहा कि मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे भी अपने साथ भोजन कराओ, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। परंतु उसकी बात सुनते ही बड़ा लड़का चिल्लाने लगा और कहा, भाग जाओ, यदि मैं तुम्हें अपना भोजन दे दूंगा तो मैं भूखा नहीं रह जाऊंगा। उसकी बात सुनकर बौना वहां से चला गया। परंतु खाना खाने के बाद जब वह पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काट रहा था, अचानक वह पेड़ से गिर पड़ा और उसे बहुत चोट आई। जानते हो बच्चों, यह सब क्यों हुआ? क्योंकि उस बौने का उसने अपमान किया था, एक भूखे व्यक्ति को भोजन नहीं दिया था, उसने बहुत बड़ा अपराध किया था। अब अगले दिन जब बड़े भाई को चोट लग गई, तो जंगल में लकड़ी काटने कौन जाता? तब लकड़हारे का छोटा बेटा, जिसे वह मंद बुद्धि बोलते थे, वह लकड़ी काटने जाने के लिए तैयार हुआ। जब वह लकड़ी काटने जाने लगा, तो उसकी माँ ने उसे भोजन के लिए सिर्फ सूखी रोटियां और एक बोतल पानी दे दिया। परंतु फिर भी मंद बुद्धि खुशी खुशी जंगल में लकड़ी काटने चला गया।
वह सुबह से लेकर दोपहर तक बहुत लकड़ी काटा। जब दोपहर हुई तो उसे भूख लगी। वह वहीं भोजन करने बैठ गया। वह भोजन करने बैठा ही था कि फिर वही बौना आ पहुंचा और उसने मंदबुद्धि से भी खाना मांगा। तब मंदबुद्धि ने तुरंत अपना भोजन उसके आगे कर दिया। यह देखकर बौने ने कहा, तुम मंदबुद्धि नहीं हो, तुम तो बहुत समझदार हो। मैं तुम्हारे व्यवहार से बहुत प्रसन्न हूँ। अब मैं तुम्हारे उपकार का बदला चुकाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें भोजन के बदले में सोना दूंगा। यह कहकर बौने ने मंदबुद्धि को बहुत से सोने के सिक्के दे दिए। सूर्यास्त होने पर मंदबुद्धि लकड़ी का गट्ठर लेकर आया, अपने माता पिता को सारी बातें बताई और उन्हें सोने के सारे सिक्के भी दे दिए। मंदबुद्धि की बातें सुनकर लकड़हारा और उसकी पत्नी दोनों बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मंदबुद्धि को बहुत प्यार किया और कहा कि तुम मंदबुद्धि नहीं हो, तुम तो बहुत समझदार हो, और उसे मंदबुद्धि कहना छोड़ दिया। हाँ तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि अच्छा व्यवहार क्या होता है। एक संत व्यक्ति, वह संत है या चोर, इस बात का उसके बोलते ही पता चल जाता है, क्योंकि अंदर का छुपा चरित्र मुंह के रास्ते बाहर आता है। इसलिए बच्चों, यह बिल्कुल आवश्यक नहीं कि आपने बहुत शिक्षा प्राप्त की है तभी आप अच्छा व्यवहार कर सकते हैं। एक अनपढ़ व्यक्ति भी अच्छा व्यवहार कर सकता है और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति भी दूसरों के साथ बुरा व्यवहार कर सकता है। तो मनुष्य की पहचान उसके व्यवहार से होती है। हमारा व्यवहार जो हमारे सामने भी और हमारे नहीं रहने पर भी हमें मान सम्मान और इज्जत दिलवाता है। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखिए कि जिस व्यक्ति की बुद्धि तेज है, जरूरी नहीं कि वह व्यवहार कुशल ही हो, वह सफलता प्राप्त करे ही या फिर लोग उसकी इज्जत भी करें, यह कतई आवश्यक नहीं है। और जो मंदबुद्धि है, ज्यादा तेज नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि वह व्यवहारिक भी ना हो। वह व्यवहारिक हो सकता है और सफलता भी प्राप्त कर सकता है। हाँ तो बच्चों, आज के समय में सफलता प्राप्त करने के लिए व्यवहारिक बुद्धि का होना अति आवश्यक है। मुझे उम्मीद है कि बच्चों, आप लोगों को पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप लोग अपने व्यवहार में बदलाव लाने की कोशिश जरूर करेंगे। अंत में मैं आप लोगों के अच्छे भविष्य की कामना करते हुए आप लोगों से विदा लेती हूँ। धन्यवाद।